हाय एवरीवन, वेलकम टू पूजा लूथरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है और WHO ने भी इसे सुपर फूड माना है। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं हैं कि अलसी का सेवन कैसे करना है या इसे अपनी डेली डाइट में कैसे शामिल करना है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कुछ तरीके जिनकी हेल्प से आप अलसी को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को सादी अलसी खाना पसंद नहीं होता क्योंकि उन्हें टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगता। ऐसे में अगर आप अलसी को भून करके यानी फ्लैक्स सीड्स को अगर भून करके खाएंगे तो उससे उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और कुरकुरा हो जाता है। अलसी को पीसकर पाउडर के रूप में इस्तेमाल करना भी अलसी के उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए आप गर्म पानी के एक ग्लास के साथ एक चम्मच अलसी के पाउडर को डेली यूज़ कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि अलसी को यानी फ्लैक्स सीड्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में पीसकर ना रखें क्योंकि ये पाउडर के रूप में बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो 2-3 दिन का पाउडर बना लें और जब वो ख़त्म हो जाए तो दोबारा बना लें। दोस्तों, अलसी के पाउडर को आप फ्रूट जूसेस में भी मिलाकर पी सकते हैं। इसके लिए आपको एक ग्लास जूस यानी कि 200 मिलीलीटर जूस में एक चम्मच अलसी का पाउडर मिलाना है। तो नेक्स्ट तरीका है अलसी को दही में मिलाकर खाना। अलसी का रायता बहुत ही टेस्टी लगता है। आप अलसी का रायता बनाने के लिए 1 कप कसी हुई लौकी ले लीजिए या खीरा ले लीजिए और 1 कप दही ले लीजिए और उसमें 1/2 चम्मच दरदरी पिसी अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स डाल दीजिए, 1/2 चम्मच नमक डाल दीजिए और थोड़ी सी काली मिर्च और जीरा पाउडर डाल दीजिए। आपका फ्लैक्स सीड रायता बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। अलसी को आप आटे में गूंद कर भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी रोटी खा सकते हैं। अलसी की चाय बनाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है। अलसी की चाय बनाने के लिए 1 चम्मच फ्लैक्सीड पाउडर यानी अलसी पाउडर को 2 कप पानी में तब तक धीमी आंच पर पकाएं जब तक कि ये पानी 1 कप ना रह जाए और फिर थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी की चाय सर्दी खांसी जुकाम और अस्थमा के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। दिन में 2 बार अगर अलसी की चाय पी जाए तो खांसी जुकाम उड़नछू हो जाता है। इसके अलावा गर्म दूध के साथ भी अलसी का सेवन किया जा सकता है। इसके लिए आप 1 ग्लास गर्म दूध में 1 चम्मच पिसी अलसी मिलाएं और सोने से पहले इसे लें। इससे शरीर का सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है जिससे आपको नींद अच्छी आती है और स्ट्रेस दूर होता है। अगला जो अलसी या फ्लैक्स सीड्स खाने का तरीका है वो है सैलड के साथ। आप सैलड पर जैसे सीजनिंग या फिर कुछ चाट मसाला स्प्रिंकल करते हैं उसकी बजाय आप अलसी को अलसी के पाउडर को अपनी सैलड पर छिड़क कर खाइए। इससे आपकी सैलड का टेस्ट और साथ ही साथ न्यूट्रिशन और भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 1 दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स का सेवन ना करें, नहीं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अब तो आप जान ही गए हैं कि किस तरह से आप अलसी को अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक के बटन पर ज़रूर हिट कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और रोज़ आपको मिलेंगे हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। और मैं आपसे मिलूँगी एक और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।